भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के निधन को लेकर पूरे देश दुनिया के साथ भारत भूटान सीमा से सटा शहर जयगांव में भी शोक का माहौल के साथ शोक सभा किया गया। विभिन्न जगहों में शोक सभा के साथ जयगांव धर्मशाला में भी विभिन्न संस्थाओं की ओर से शोक सभा का आयोजन किया गया। अटल जी के जीवनी पर प्रकाश डालते हुए फूल माला आदि चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी गई। वहीं भूटान गेट के पास भी इसी कार्यक्रम में अटल जी के फोटो पर फूल माला अर्पित किए गए एवं मोमबत्ती जलाए गए। वहीं जयगांव के विभिन्न स्कूलों के बच्चे भी अटल जी को श्रद्धांजलि देते हुए मोमबत्ती जुलूस निकाला गया। साथ ही सीमा क्षेत्र में तैनात SSB जवानों ने भी अटल जी के फोटो पर फूल माला चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि यह कितना जैन सैलाब यहाँ उमड़ा हुआ है और सभी के ना आग जो है नम्न है और सभी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पण कर रहे हैं। जो भी दल के व्यक्ति हो, किसी भी जाति धर्म के व्यक्ति हो, सभी को उनके प्रति प्रेम था। उन्होंने जो देश के लिए किया वो काबिले तारीफ़ है और आशा करते हैं कि भविष्य में उन्हीं के जैसा विभूति हमारे भारत में पुनः पैदा हो और जो हमारे देश का मान गौरव सम्मान को बढ़ाते हुए हमारे देश को आगे ले जाने में सभी का सहयोग करें। यही कहते हुए मैं कहना चाहूँगा भारतवर्ष के सभी नागरिकों से कि जो यह विभूति, इस तरह का विभूति हमें 100 वर्षों या कहा जाए तो योजनों में कभी एक मिलता है, तो उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए भारत माता को, भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लोग हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जिनका कल 16 अगस्त को निधन हो गया, अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनको हम लोग यहाँ पे श्रद्धांजलि दिए। बहुत ही तेजस्वी प्रधानमंत्री रहे थे। उनके कार्यकाल में देश का बहुत ही गर्वान्वित उनके कार्य में हुआ था। उनके कार्यकाल में लग रहा था कि वाकई भारत जो है टाइम कर रहा है। देश के लोग काफ़ी आशावादी हो गए थे। बहुत बड़ा लॉस है देश के लिए कि आज वो नहीं रहे। हमने अभी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की एक शोक सभा आयोजन किया, मतलब एक छोटी सभा, मतलब उनके लिए तो उनके हिसाब से बहुत कम छोटी है, लेकिन आज के दिन हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री एक पूरे इंडिया के लिए बहुत बड़ा लॉस था। वो इस संसार में नहीं रहे। उन्होंने जो पूरे समाज में, पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने जो अपनी गरिमा दी है वो हमेशा हमारे मन में, हमारे हृदय में हमेशा रहेगी। उनकी बातें, उनकी जो भी अपनी कविताएं हैं, जो भी है, वो सब हमारे मन में, हृदय में हमेशा रहेगी। और हमने देखा है कि अटल जी एक ऐसे नेता थे कि उनको अपोजिशन हो चाहे उनके साथ वाले हो, हमें सब उन्होंने उनको प्यार किया। और उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि उनके अपोजिशन वाले, या जब वो सत्ता में थे या सत्ता के विरुद्ध थे, तो उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि वो पार्टी किसकी है या वो कौन है। आज हम लोग सब यहाँ एकत्रित हुए हैं ताकि हम अपने प्रिय नेता स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर पाएँ। हम लोगों की एक छोटी सी प्रयास है ताकि ये सब लोगों को दिखाया जाए या पता चले कि भाई कि हमारे देश के 125 करोड़ जो देशवासी है वो हमारे अटल जी को कितना प्यार करते थे और हम लोग ने आज क्या खोया है। वाकई में कहूँ तो आज जो देश है, देश ने एक नायाब रत्न को खो दिया है, जो शायद इस, मतलब हम कहें कि शायद ही ऐसा कम मौका मिलेगा कि हम इस तरह के एक अन्य व्यक्तित्व को हम लोग फिर से देख पाए या सुन पाए। इसके प्रख्यात राजनेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी आज हमारे बीच नहीं रहे। 94 वर्ष की उम्र में कल उन्होंने हम सबको विलखता छोड़ करके स्वर्ग की यात्रा के लिए प्रस्थान कर गए। हम सब भारतवासी बहुत दुखी है। उनका कोई परिवार नहीं था, लेकिन उनका परिवार इतना बड़ा था, मेरा सोचना है कि और किसी का भी परिवार नहीं हो सकता है। हम सारे भारतवासी जितने भी हैं सब उनके परिवार के सदस्य थे। और आज हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे जो अभिभावक वही थे, हमारे पिता तुल्य वही थे जो आज हमें यहाँ छोड़कर चले गए। आज हमें महसूस हो रहा है कि हम बिना पिता के हो गए हैं। उन्होंने हमारे देश की जो सेवा की है उसकी हम जितनी प्रशंसा करें उतनी कम है। हमारे पास आज शब्द नहीं है उनकी प्रकांड विद्वत्ता को, उनके कवित्व पवित्र को,
जो जितनी भी हम उपमा दें उतनी ही कम है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है, उनके बारे में कुछ कहना सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर है। फिर भी दो शब्द मैं उनके बारे में यह कहना चाहूँगा, हमारे देश को प्रथम परमाणु संपन्न देश उन्होंने किया बनाया था, आज उनके टाइम में प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था और देश को तीन साल वो देश के तीन बार प्रधानमंत्री रहे थे, जो कि उन्होंने अपने कार्यकाल में एक भी उनका विरोधी कोई नहीं था। यह उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि उनके विरोध में कोई नहीं बोलता था, उनको सभी दल के विरोधी दल के सभी प्यार करते थे। आज उनके पास समझते आज वो हमारे बीच नहीं है, उनके लिए हम श्रद्धांजलि कार्यक्रम किया जिसमें जयगांव की सभी संस्थाओं सहित सभी ने मिलकर आज हनुमान मंदिर धर्मशाला और यहाँ भूटान गेट के सामने उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम किया गया।